आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। महाराजगंज में सावधान यात्रा का हुआ आयोजन, ओम प्रकाश राजभर ने किया संबोधन। सीतापुर में चिकित्सालय से हटाया गया शिवलिंग, संगठन ने दिया प्रार्थना पत्र। हरदोई में भाजपा के कार्यकर्ता ने चलाए नशा मुक्ति अभियान, मुहिम से जुड़कर की नशा त्यागने की अपील। शाहजहांपुर में यात्रा पर निकली हो गई योगा टीचर, साइकिल से करेंगी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा। अलीगढ़ में गौशालाओं की स्थिति खराब, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर महाराजगंज से है, जहां सुपासपा के नेतृत्व में निकाली जा रही सावधान यात्रा को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब और काशीराम के सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक चेतना जगाने वाले महापुरुष को हम लोग उन्हें नमन करते हैं। उन्होंने बताया कि 75 जिले से होकर गुजरने वाली सावधान यात्रा का समापन गांधी मैदान पटना पहुंचकर इसका समापन किया जाएगा। राजभर ने बताया कि हम लोग जातीय जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें समाज रह रहे अति पिछड़ों को उनका हक मिल सके। वहीं राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम योगी से बात हुई है, जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। 26 सितंबर से हम लोग लखनऊ से एक सावधान रथ यात्रा निकाले, वो उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 4 टीम बनी है। कोई एक टीम बुंदेलखंड में, एक टीम पश्चिमांचल, एक मध्यांचल, एक पूर्वांचल, 4 टीम बनी है और 75 जिले में घूमते हुए ये 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना बिहार वहाँ इसका समापन है। इसका उद्देश्य है प्रदेश में जातिवार जनगणना को लेकर, जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक हिस्सा बराबर नहीं मिल पाएगा। बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनको लोग राजनीति में जानते हैं, 1931 में जातिवार जनगणना हुई, उसके बाद जातिवार जनगणना नहीं। दूसरा, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, जब संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो दो तरह की शिक्षा क्यों लागू होती है? जब कोई नौकरी के लिए सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब अप्लाई करता है, जब वो जाता है तो पेपर ही करता है, तो फिर शिक्षा दो तरह की क्यों? शिक्षा भी एक तरह होनी चाहिए। लखनऊ का सुसाइड पॉइंट बन चुके गोमती नदी बैराज पुल से स्टेट फोरम के एक अधिवक्ता ने छलांग लगा दी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि काला पैंट और व्हाइट शर्ट पहने एक व्यक्ति ने उतरा और उतरते ही उसने गोमती नदी में छलांग लगा दी, जिसकी सूचना मिलते ही अधिवक्ता के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और अधिवक्ता के भाई ने बताया कि उसकी सोशल मीडिया आईडी किसी ने हैक कर ली थी, जिससे वो कुछ दिन से परेशान था। हाईकोर्ट कह के आया है, पहले कंज्यूमर में जाता था, अब उसके बाद हाई कोर्ट इधर महीनों से आ रहा था कंज्यूमर में। हाँ, नवीन के साथ थे, नवीन कुमार। अरे कुछ नहीं, सलाम करके चला है, अस्सलाम वालेकुम मम्मी फी अमान अल्लाह। खबर गाजियाबाद से है, जहां बंद कमरे में संदिग्ध अवस्था में महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप का माहौल है। मृतक महिला के बेटे ने बताया कि पुराने विवाद के चलते उसकी मां की हत्या की गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। थाना मोदी नगर के रहने वाले श्रीमती सरोज, जिनकी उम्र लगभग 58 वर्ष थी, शव उनके घर में मिला है। मृतका के सिर पर चोट के निशान है। मृतक के पुत्र द्वारा जो है कुछ लोगों पर शंका व्यक्त की गई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
खबर अलीगढ़ से, जहां स्थानीय थाने में तैनात सिपाही पर बुजुर्ग के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी सिपाही को थाने आने को लेकर उससे कहा सुनी हो गई, जिससे राहगीरों की मदद से शांत कराया गया। वहीं पीड़ित ने आरोपी सिपाही के खिलाफ SSP कार्यालय पहुंच न्याय की गुहार लगाई है। मामले के लिए मैं घर से जा रहा था, ये जो गौरव नाम का जो सिपाही है वो जो मोटरसाइकिल पे लेके जो खड़ा था जो सड़क पर, कहाँ तैनात है ये सिपाही? जलाली चौकी। क्या 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 परेशानी है? कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, जो मुझसे जो बदतमीजी करने लगा कि साले जो तुझे जो जूता की नोक पे जो पूरी जलाली में घुमाऊंगा और 23 साल में ये करूँगा वो करूँगा, बहुत बहुत गंदी जो बदतमीजी जो गालियाँ और गलों। फिर मेरी जो प्रतिभा आ गई, प्रतिभा ने जब कहना सुनी करी तो वो प्रतिभा से जो बदतमीजी करने लगा। अलीगढ़ में SSP कार्यालय पर गांव बमनोई की रहने वाली महिला शिकायत लेकर पहुंची। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी शादी 8 साल पहले गांव बमनोई के एक युवक से हुई थी। साथ ही उसने कहा कि शादी के कुछ समय बाद से उसका पति और सास आए दिन गृह कलेश करने लगे और उसके साथ मारपीट किया करते थे। वहीं पीड़िता ने शिकायत की प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। अलीगढ़ के गांव नरूपुरा में सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए तैनात ग्राम विकास अधिकारी की डेंगू की चपेट में आकर मौत हो गई और एक ही दिन में 60 डेंगू के मरीज की पुष्टि हुई। तो वहीं जिला में अब डेंगू के मरीजों की संख्या 120 हो गई है, जिसके बाद से ही प्रशासन दस्तक अभियान के तहत गाँव गाँव में सफाई व्यवस्था चाक चौबंद पर जनता से डेंगू से बचाव करने की अपील कर रहे हैं। देखिए, दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसके तहत गांव-गांव में सफाई और ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन जल भराव बहुत ज़्यादा होने के कारण स्वाभाविक रूप से मच्छर और लार्वा पनपते हैं। तो दो ही उसके उपाय हैं, एक तो प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करना ताकि ठहरे हुए पानी की जगह पर वो जाने से बचें, फुल कपड़े पहने, फुल बांह के कपड़े पहने ताकि डेंगू से प्रभावित न होने पाए। दूसरा, अगर किसी को हो ही गया है तो उसके उपचार की व्यवस्था, तो उपचार के लिए OPD हमारी सतत चल रही है और जो OPD में मरीज आते हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर किसी की भर्ती करने की स्थिति है तो भर्ती भी किया जाता है। खबर शाहजहांपुर से, जहां करवा चौथ त्यौहार को लेकर रानी लक्ष्मीबाई महिला विंग ने महिलाओं के लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कई तरह के खेलों का भी आयोजन किया गया, साथ ही विजेताओं को ताज और सुहाग के सम्मान में उपहार में दिए गए। इस मौके पर महिला विंग के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रानी लक्ष्मीबाई महिला विंग का यहाँ पर एक करवा चौथ का कार्यक्रम हुआ है। परसों करवा चौथ है, हम सभी लोग बड़े ही उल्लास के साथ करवा चौथ का त्यौहार मनाते हैं। ये हमारे जो हिंदू धर्म की मान्यता है कि हम ये व्रत रखते हैं और पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। तो आज हम सभी ने यहाँ मिल करके, अब देखिए परिवार छोटे छोटे हो गए हैं, इसलिए हम लोग सभी त्यौहारों को मिल करके अपनी संस्था में एक साथ ही मनाते हैं और ये संदेश देते हैं कि प्रेम और उल्लास के साथ ही किसी त्यौहार का महत्व और बढ़ जाता है। औरैया में पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसकी तलाश पुलिस काफी दिन से कर रही थी। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई केस दर्ज हैं। आपको एजेंट बताकर, और इनके पास 11 मोबाइल स्मार्टफोन्स हैं, 11 मोबाइल फोन मिले हैं, 4 लाख रुपए की नकदी है। ये ट्रांजैक्शन ऐसे करते कि पैसा RTGS से मंगवा लिया या UPI से मंगा लिया और अलग अलग जैसे जहां कर लिया उसके दूसरे किसी जनपद में जाके ATM से निकाल लेंगे, या जैसे इन्होंने साइट बनवाई तो उसको ट्रांजैक्ट कर दिया तो पैसा जैसे ही आता है उसको तुरंत निकाल लेते हैं। 1 महीने के अंदर इनमें 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, जबकि इनका काम और कुछ भी नहीं है। पहले जो है मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव भेज करके अब कहते थे जाओ इनसे बातचीत करो जाके, उसके बाद हम जा करके उनको प्लान दे देते थे। लेकिन इनमें से कौन कौन लोग होते थे? जैसे ये हरिवंश जी, नहीं किसानों को शिकार बनाते? हाँ, किसानों को। कैसे बनाते? किसानों को क्या लालच देते थे? किसानों को कहते थे कि हम आपको एजेंसी दे देंगे और इतना पैसा आप हमें जमा कर दो, उसके बाद जब वो पैसा जमा कर दिए तो। खबर बुलंदशहर से है, जहां गांव में विकास कार्य के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से की। साथ ही ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर जारी योजनाओं पर भ्रष्टाचार को लेकर आक्रोश भी दिखा। मौके पर पहुंचे ADO ने गांव का निरीक्षण कर विकास कार्य का जायजा लिया और बताया कि ग्रामीणों को दी जाने वाली बिजली लोकल कंपनी है। विकास कार्यों में हो रही लापरवाही पर ग्राम प्रधान और आला अधिकारियों पर कार्यवाही की जानकारी दी है।
गाजियाबाद से जहां हाईवे को पार करते वक्त तेज रफ्तार कैटरनी महिला को और उसके दो बच्चे को टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की सूचना पर पहुंची नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गाड़ी आई, स्विफ्ट गाड़ी थी, उसने टक्कर मार दी, उसका आगे डीसी जा रहा था, उसने अपना उसका एकदम उसके अंदर आ गया, अंदर आने वाला वो सारा यहाँ से डैमेज हो गया। कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के ग्राम बहरोजपुर स्थित जनता इंटर कॉलेज से अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं चोर विद्यालय से एलसीडी लैपटॉप समेत कई कीमती सामान चुरा कर ले गए, जिसकी जानकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य ने थाना चौक की पुलिस को देते हुए बताया कि अज्ञात चोर विद्यालय में घुस गए और विद्यालय के कमरों का ताला तोड़कर उसमें रखी एलसीडी इन्वर्टर, प्रिंटर, बैटरी, लैपटॉप और आवश्यकता कागजात चुरा ले गए। जनता इंटर कॉलेज बहरोजपुर में रात में इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे इन्वर्टर, बैटरा और एलसीडी, दो लैपटॉप और कुछ ज़रूरी कागजात चोरी हुए। जी, आपने कोई शिकायत की है अभी? हमने शिकायत कर दी है चौकी पर भी और थाना प्रभारी के पास भी। मामला ये है कि मैं जनता इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ। सुबह जब मैं आया था बाबूजी यहाँ से, तो मेरे स्कूल में चोरी हो गई। जी, और कितने का लगभग नुकसान हुआ है आपको? नुकसान हुआ लगभग 1.5 लाख रुपए का। अच्छा, आपने तहरीर दी है कुछ? तहरीर अभी देकर आए हैं थाने में और चौकी पर भी। कासगंज के गंज डुंडवारा थाना क्षेत्र के गांव ढकरई बाजरा के खेत में एक युवक का शव पड़ा मिला था, जिसकी तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर खुलासे के लिए डॉग स्क्वाड टीम और पुलिस को लगाया गया था। वहीं 48 घंटे के अंतराल पर पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम हत्यारे तक पहुंच गई, जिसके बाद पता चला कि तीन आरोपियों ने मिलकर ट्रैक्टर को लूटने के उद्देश्य से चालक के हाथ पैर बांध कर बाजरे के खेत में डाल दिया था और बाद में उसकी हत्या कर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। ध्रुवे शव पुत्र पोप सिंह है उनकी शव, वो जब घर नहीं आया तो उनके परिवार हमें मतलब हमसे मुकदमा लिखवाए थे। तो करीब 11 तारीख को सुबह करीब 9 बजे एक दुबियाई गांव के यहाँ एक फील्ड में, क्रॉप फील्ड में उनका शव मिला और वहाँ से जब हम लोग शुरुआत की है पूरी छानबीन डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट तहत, हम ये करीब 48 घंटे में इसका खुलासा कर दिए हमने। इनमें तीन लोग मुख्य है कि आकाश चौहान पुत्र सत्येंद्र, ये ग्राम डकराई ताना गंजुंडवारा का है, धीरेंद्र पुत्र रविंद्र, ग्राम रकराई ताना गंजुंडवारा, और राहुल चौहान पुत्र राजेंद्र, ये सिद्धपुरा के है। ये तीनों ने मिलकर एक साजिश के तहत ट्रैक्टर को लूटने के फिराक में इनकी हत्या की है। खबर कुशीनगर से है, जहां त्यौहार को देखते हुए जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में अवैध शराब और तस्करों पर कार्यवाही करते हुए छापेमारी की गई। वहीं 90 लीटर अवैध शराब, 1000 किग्रा की लहन और भाटियों को भी नष्ट किया गया। साथ ही दो अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज कर जांच के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया है। खबर सीतापुर से है, जहां शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर घटने से पूर्व विधायक की लापता ट्रैक्टर ट्राली को बड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका और साथ ही अब बाढ़ का जलस्तर घटने से ग्रामीण अपने घरों की ओर वापसी कर रहे हैं। वहीं बाढ़ के दौरान प्रशासन भी ग्रामीणों की हर संभव मदद करते हुए दिखाई दिए। गाजियाबाद में करवा चौथ पर पत्नी ने पति को उसकी महिला मित्र का पीछा करके रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद पत्नी ने पति और उसकी प्रेमिका की जमकर पिटाई की। तो वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पति और पत्नी में विवाद चल रहा है, जिसके चलते दोनों अलग रहते हैं। मैंने अपने पति से 4 मार्च 2017 में शादी करी थी और मेरा विवाद कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये इस राखी नाम की लड़की के साथ घूम रहा है और ये मेरा बेटा है 4 साल का, इसको भी नहीं देखता, उस राखी नाम की औरत के साथ रहता है। तुराब नगर में रंगे हाथों पकड़ा गया है। थाना कोतवाली क्षेत्र में तुराब नगर मार्केट के अंदर मारपिटाई की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला एक महिला द्वारा एक पुरुष की पिटाई मौके पर की जा रही है। वो पुरुष उसका पति है जो अपनी प्रेमिका के साथ में उसको शॉपिंग कराने मार्केट में आया हुआ था। तो फिलहाल युवक को हिरासत में लेकर के पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई संबंध में की जा रही है।
हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने नशा मुक्त जागरूकता अभियान की मुहिम छेड़ी, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से लोगों को इस मुहिम से जुड़कर नशा त्यागने की अपील की। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के हरदोई जिले में नशाखोरी एक बड़ी समस्या है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुकुल सिंह आशा ने एक बार फिर नशा मुक्त भारत अभियान की मुहिम चलाने का संकल्प लिया है। मैं आप सभी से निवेदन या अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी लोग नशा मुक्त भारत जागरूक अभियान में मेरा साथ दें। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति नशा करता हो, कम से कम अपने परिवार की तरफ देखकर ही नशा करे। पता नहीं नशे से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गईं, कितने परिवार तबाह हो गए। आप सबसे अनुरोध है कि कम से कम अपने परिवार का चेहरा देखकर ही नशे का प्रयोग करें। खबर कानपुर से है, जहां विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर जेएसवीएम मेडिकल कॉलेज में नेत्रदान और आंखों की सुरक्षा जागरूकता के संबंध में एक पोस्टर का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में विधायिका नीलिमा कटियार और प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी मोहन ने आंखों की बीमारियों के संबंध में लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि आंख से संबंधित हर बीमारी का इलाज आज संभव है। वहाँ पर डॉक्टर शालिनी मोहन, डॉक्टर खान और उनकी पूरी टीम, यहाँ डॉक्टर्स के साथ ये आयोजन हो रहा है। हम लोग इसको मना रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। और इसको मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, लगातार मैं जहाँ खड़ी हूँ, ये डिपार्टमेंट तो लगातार इसके पीछे प्रयास कर रहा है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम, कभी भी कोई डोनर रात में भी फ़ोन करता है, किसी भी टाइम फ़ोन करता है, क्योंकि एक टाइम लिमिट है, उसके अंदर वो आँख लेनी होती है, जो भी उसका लेना होता है, उस टाइम लिमिट के अंदर यहाँ के सारे डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं। खबर रायबरेली से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर थाने का चक्कर लगा रहे फरियादी अमरनाथ की थाने में बेहोश हो गया, जिसे पुलिस कर्मियों की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अब पुलिस ने आनन फानन में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच के आदेश जारी किए हैं। तो जमीन विवाद का विपक्ष ने जो धूमधड़ी खरीदी है और हमने उसे स्वेच्छा छोड़ दिया, उसको जीएस की जमीन पे हमारे नल हैंडपम्प क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी कंप्लेन हमने पहले भी की थी और अभी भी कंप्लेन आज भी किया, जो खत्म हो गया। उन्होंने अप्लीकेशन डाली। कहाँ दिया अप्लीकेशन? फिर क्या हुआ, कैसे खत्म हो गए? हार्ट अटैक से वही बेहोश हो गए। शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष और खत्री धर्मशाला के प्रभारी और उनकी पत्नी ने पूजा की। इस दौरान 12 ज्योतिर्लिंग की साइकिल यात्रा पर निकली योगा टीचर ने बताया कि वह रोज साइकिल से 100 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने केदारनाथ के गौरी कुंड से अपनी 8000 किलोमीटर की यात्रा का शुभारम्भ किया था, जो आज शहीदों की नगरी शाहजहांपुर पहुंची है। बहुत ये सुन के हर्ष हुआ। आगे की इनकी यात्रा यहाँ से बनारस के लिए जाने वाली है। इस प्रकार ये 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा साइकिल द्वारा कवर करेंगी पूजा जी, और हम लोग से जो भी सहयोग बन पड़े हम लोग करेंगे इनका। और इस तरीके से इनका उत्साह, इस तरीके से जो भी कार्यक्रम ये लोग करते हैं, इनका उत्साह बढ़ाना ही चाहिए हम लोगों को। मैंने केदारनाथ से साइकिल यात्रा शुरू की है। यहाँ आते आते मेरे अभी 500 किलोमीटर कम्प्लीट हुए हैं, और मैं केदारनाथ से सोनप्रयाग आई थी, सोनप्रयाग से श्रीनगर रुकी थी, श्रीनगर से मैं ऋषिकेश रुकी थी, और ऋषिकेश के बाद मैं बरेली आई थी, बरेली के बाद फिर अभी यहाँ पे शाहजहांपुर में आई हूँ। सीतापुर के तहसील सिंधौली में अचानक रेलवे क्रॉसिंग का गेट जमीन पर आ गिरा, जिससे लोग बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि जब क्रॉसिंग गेट खोला जा रहा था, इसी बीच अचानक गेट गिर पड़ा। फिलहाल किसी को भी चोट पहुंचने की खबर तो नहीं आई, तो वहीं क्रॉसिंग के पास पहली विश्वा रोड का हाल बहुत ही जर्जर पड़ा है, जिसकी वजह से भयंकर जाम और लोगों के आवागमन में काफी समस्या हो रही है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां राजकीय पशु चिकित्सालय सिंधौली में तैनात डॉक्टर ने कुछ समय पहले प्राचीन शिवलिंग को चिकित्सालय से हटा दिया, जिसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को हुई, जिस पर संगठन की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके बाद रातोंरात डॉक्टर ने फिर उस स्थान पर शिवलिंग रखा दिया। आपको बता दें कि संगठन के पदाधिकारियों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की।
ये हमारा जितनी हमारी उम्र है तब से तो हम देख ही रहे थे इस चिकित्सालय में, और उसके बाद जब नया चिकित्सालय बना तो चबूतरा बना के उसी पे स्थापित कर दी गई थी, और जिन लोगों को आता थे वो आते थे, नगरवासी इसकी पूजा अर्चना भी करते थे। हाँ, कुछ लोग आते थे जो कैंपस के अंदर था, जो कुछ लोग आते थे वो अपना श्रद्धा सुमन और जल चढ़ाते थे, तो फिर पता लगा वहाँ पे कि उनको जो जल चढ़ाने जाते थे उन लोगों को भी मना किया, और उसके बाद जब वो नहीं माने तो हमारी समझ से उन्होंने मूर्ति हटवा दी। तो कोई एप्लीकेशन वगैरह दी आपने? एप्लीकेशन मैंने कोतवाली को दी। क्या क्या बताया है कोतवाल ने? कोतवाल ने बताया वो पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे, और हिंदू समाज को जो ठेस पहुँची उसकी भरपाई डॉक्टर करें। अलीगढ़ में करवा चौथ के दिन गोमत गांव में ग्रामीणों के बीच भगदड़ मच गई। वहीं एक आवारा गोवंश का पैर अचानक फिसलने से वो कुएं में गिर गया। बेजुबान आवारा जानवर को गहरे कुएं के अंदर गिरता देख सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और लोगों ने गोवंश को गिरने की सूचना SDM को दी। वहीं कुएं में आवारा गोवंश गिरने की सूचना मिलते SDM ने वन विभाग और क्षेत्रीय लेखपाल को घटनास्थल पर भेजा गया। मैं आज सुबह फसल का सर्वे कर रहा था तो ग्रामवासियों द्वारा मुझे ग्राम गोमत के वासियों द्वारा मुझे अवगत कराया कि गोमत गांव के कुएं में आवारा गोवंश गिर गया है। उसकी सूचना मैंने श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय खैरपुर दूरवास के द्वारा दी गई, तो SDM सर ने वन विभाग एवं पुलिस के कर्मचारियों को अवगत कराया और मौके पर भेजा। खबर श्रावस्ती से है, जहां नशे में धुत बड़े भाई ने छोटे भाई की जमकर पिटाई कर दी जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपी युवक की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। एक बाजी हुए पार साल मारे नहमेटे, अच्छा तब मारे डरत रहे तब गिरन गांव में से बलाए ले रहे सबका तब बचाए नहीं ना। अच्छा तो काल फिर वहा जंगल लंग मारत रहे मारते यहाँ से ले जाए बाहर से लावत रहे जंगल से ने। अच्छा इसके बाद में लाए हैं अगर ना मार किया तो कहीं घर में लटाए नहीं तब कहीं मिहारू चिल्लात रहे कि ना मारो मरी गवा। हाँ घर में मार किया अपने अगर ना तो कहीं मार के हमारे घर में लटाए गए हैं। अच्छा हाँ आप कहाँ थी जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था? तो हम मैके में रहे नायन तब हमसे गाँव वाले बतावत है तो सबसे नाय बतावत है भागन डेरात है। और अलीगढ़ में लापरवाही का मामला सामने आया है। गौशालों में गायों की दुर्दशा देखने को मिल रही है। गौशाला में गाय के शवों को कुत्ते और चील कवे खा रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संबंधित अधिकारियों ने गौशाला का निरीक्षण कर गोवंश को दफनाने की व्यवस्था की। पानी का बहुत ज्यादा वहाँ पूरे गौशाला में पानी भरा हुआ था। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ से करीब था 100 मीटर दूरी पे, तो वहाँ देखा कि पानी बहुत ज़्यादा घुटनों तक पानी मतलब अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने पूछा वहाँ जो केयर टेकर हैं पुलिस, हमने तो दफना दिया गया लेकिन पानी अधिक फ्लो होने की वजह से पीछे इन्होंने एक कुत्ता के लिए वो लगा रखी है जो आती है ना इसको झटका मशीन कहते हैं, उसे अंदर से कुत्ता नहीं आते तो अधिक पानी फ्लो होने की वजह से सब टूट गई वो, और टूटने के बाद वो कुत्ता भी आ गए और वो जो गोवंश के जो वो थे डेड बॉडी ऊपर आ गई पानी, वो नीचे पानी भर गया तो उन्हें कुत्ता खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसी समय उन्होंने करीब जैसे पता लगा सारा डॉक्टर साहब ने अपनी निगरानी में करा दिया गया था, और हम और SDM जब साहब पहुंचे उससे पहले उन्होंने पूरा करा दिया गया। सिद्धार्थनगर में CM योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया जिसके बाद उन्होंने भनवापुर ब्लॉक परिसर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री भी बांटी। इस मौके पर सांसद और पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने माना कि बेमौसम जिले की बाढ़ की स्थिति बनी है, साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के 200 से अधिक गाँव बाढ़ की चपेट में है जिससे फसलों का भारी नुकसान हुआ है। जिनका घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, पहले उन्हें हम केवल जो पूरी तरह घर बह गया हो उससे ही हम पैसा दे पाते थे या मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करा देते थे। अब हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिनके घर भी पूरी तरह समाप्त हुए हैं उन्हें 1,20,000 रुपये हम मुख्यमंत्री आवास की तर्ज पर आवास बनाने के लिए उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा कृषि भूमि पर भी फसल आप देख रहे होंगे, खड़ी फसल काफी बड़ी संख्या में
का सर्वे का आदेश दिया गया है और कृषि भूमि पर 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इसको हम देने की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। खबर देवरिया से है, जहां जेल में बंद विवाहित महिला कैदियों को करवा चौथ व्रत रखने की अनुमति यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति के निर्देश पर जारी किए हैं। वहीं जेल प्रशासन ने इस मौके पर खास इंतजाम भी किए। बड़ी संख्या में महिला कैदियों ने करवा चौथ का व्रत रख अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी की। लखनऊ के थाना पारा इलाके के आदर्श विहार में बदमाशों ने एक दूध डेयरी संचालक को गोली मारकर नोटों से भरा बैग लूट लिया। साथ ही आरोपी पुलिस को खुली चुनौती देकर मौके से फरार हो गए। तो वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेज दिया और आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान करने में जुट गई है। साथ ही गोली की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीसीपी सहित आला अधिकारी जांच पड़ताल में जुट गए। ये कुलदीप मिश्रा हैं जिनको गोली लगी है और जो जानकारी में आई है, कुलदीप मिश्रा नमस्ते इंडिया के तहत जो है दूध की सप्लाई का काम करते हैं और आज भी जो है दूध की सप्लाई के बाद कलेक्शन करके ही आ रहे थे। उनके पास बैग था, इसमें घर के पास राजस्व विहार कुल जहाँ रहते हैं उससे 250 मीटर पहले हम लोग खड़े हैं। दो लड़के थे जिन्होंने इनको रोक कर बैग छीनने का प्रयास किया, उन्होंने रजिस्ट किया, उन्होंने गोली मारी। गोली इनके घर में लगी है जो कि अभी हम लोग डॉक्टर से भी मिल करके आ रहे हैं। हालत स्थिर है और बाहर बताया जा रहा है, इलाज चल रहा है। दिवाली का त्यौहार आतिशबाजियों का त्यौहार होता है। इस दिन देश भर में पटाखों की धूम होती है, लेकिन इन्हीं आतिशबाजियों के चक्कर में कुछ अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं। ऐसे में लखनऊ के सिविल अस्पताल के बन डिपार्टमेंट में पहले से तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, ये 24 घंटे 24/7 अलर्ट हॉस्पिटल है, ठीक है ना। जितनी भी इस तरह की घटनाएँ होती हैं, हमारा हॉस्पिटल इस तरह की घटनाओं की देखरेख करने में, मरीजों का जो है इलाज करने में पूरी तरह सक्षम है। हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी का के दो दो सर्जन से यहाँ मौजूद हैं, एक नियमित सर्जन हैं और एक हमारे संविदा पे डॉक्टर तिवारी हैं और साथ में बर्न वार्ड पूरा हमारा। तो जो भी इस तरह से पेशेंट्स आते हैं उनको एक स्पेशलिस्ट कह लीजिए या सुपर स्पेशलिस्ट की सुविधाएँ यहाँ प्राप्त हैं। नहीं देखिए, अगर त्यौहार हो या कुछ भी हो, हमारी जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ हैं वो हमेशा 24/7 चलती हैं, उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आती है। क्योंकि अगर कोई कंसल्टेंट छुट्टी पे जा रहा है तो वो अपनी ड्यूटी रिलीव कोई ना कोई डेफिनेटली रिलीवर होता है। और इसके अलावा जो है हमारे रेजिडेंट रहते हैं और अगर छुट्टी क्योंकि हालांकि अगर मेजर बर्न है तो हमारे यहाँ एड्रेस नहीं हो पाता है क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी विभाग नहीं है। लेकिन दिवाली में जो भी छोटे जैसा आपने बताया कि हाथ जल गया है या आंखों में चिंगारी आ रही है, इस तरह की चीज़ों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी जो है वो इजीली एड्रेस कर देता है। फिलहाल के उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।